हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनेक्डोट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका जो चैप्टर थर्ड है उसे देखने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इस चैप्टर का हम पार्ट टू कवर करने वाले हैं। पार्ट वन ऑलरेडी मैंने बना दिया है और उसको अपलोड भी कर दिया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन आप उसे देखें, उसके बाद पार्ट टू को देखना शुरू करें, ठीक है। यह जो वीडियो होगा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर अदर किसी भी बोर्ड से हैं जहाँ एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमको पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास के जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको एनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम पार्ट टू में किन बिंदुओं को कवर करेंगे, तो यहाँ पे है पार्ट वन मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें ये चारों जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। और पार्ट टू में हम देखेंगे कि वर्चस्व सैन्य अर्थ में, वर्चस्व ढांचागत अर्थ में, वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, और अंत में एक देखेंगे ब्रेटन वुड्स प्रणाली, यानी वर्चस्व। आज का जो वीडियो होगा वो वर्चस्व पे आधारित होगा, सैन्य अर्थ में, ढांचागत अर्थ में, सांस्कृतिक अर्थ में, वर्चस्व को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। और अंत में एक टॉपिक है ब्रेटन वुड्स, उसे भी देखेंगे जो बहुत छोटा सा है। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं पार्ट टू। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में क्या होता है। तो हेगेमनी लिखता है, हेगेमनी शब्द की जड़ प्राचीन यूनान में है। हेगेमनी एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, जिसकी जड़ है प्राचीन यूनान में है, ठीक है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, जो हेगेमनी है। हेगेमनी से ऐसा प्रतीत होता है, या फिर इसका इंडिकेशन जो है ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक राज्य के प्रभुत्व या फिर एक राज्य के नेतृत्व या फिर एक राज्य के दबदबे से प्रभु पता चलता है कि मनी का मतलब होता है, ठीक है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया गया था। जो हेगेमनी शब्द है इसका प्रयोग पहले किया गया था, और इसका एक सीधा सा अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है प्रभुत्व या फिर नेतृत्व करना, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग मूलतः देखा जाए तो एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए, एथेंस की जो ताकत है उनको दिखाने के लिए भूतकाल में पीछे इसका यूज किया गया था, ठीक है। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य अर्थ, सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हेगेमनी शब्द है, जो हेगेमनी वर्ड है, उसका पहला अर्थ तो यही निकलता है कि राज्यों के बीच सैन्य क्षमता, यानी आपकी सैनिक क्षमता कितनी मजबूत है और उसकी तौल से संबंधित है हेगेमनी शब्द। यानी एक साधारण शब्द में कहें, एक साधारण भाषा में कहें, तो हेगेमनी पावर से संबंधित है, राज्य की शक्ति से संबंधित है हेगेमनी। हेगेमनी शब्द, हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबल का यही अर्थ है, आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल हो रहा है। यानी यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार हेगेमनी शब्द का प्रयोग एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया गया था पहले अतीत में, ठीक उसी प्रकार इस शब्द का प्रयोग आज अमेरिकी हैसियत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका की मौजूदा ताकत क्या है, उसकी सैन्य क्षमता है, क्योंकि वह सैन्य ताकत के रूप में बहुत मजबूत हो गया है, आर्थिक ताकत बहुत मजबूत हो गया है। तो देखा जाए तो अमेरिका की जो मौजूदा ताकत है, जो महाशक्ति बन बैठा है, उसकी बढ़ी चढ़ी ताकत है वो सैन्य शक्ति है, ठीक है। अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है, बेहद एनिक्यू है, ठीक है, यूनिक है, और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ भी है। यानी अमेरिका की सेना विश्व में सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। आज अमेरिका सैनिक क्षमता के बूते दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। यानी आज अमेरिका से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी जो सैनिक क्षमता है वो बहुत मजबूत है, और अमेरिका सैनिक क्षमता के दम पे दुनिया के किसी भी देश को निशाना साध सकता है, उसे खत्म कर सकता है, ठीक है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास, यानी उसके पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है
और पूरी तरह से वो डेवलप हो चुका है, और विश्व के किसी भी देश में अचूक निशाना और घातक वार करने की क्षमता रखता है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। यानी उसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की सेना इतनी मजबूत है कि अगर अमेरिका की जो है भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर, यानी जो अमेरिका की धरती से वो अपनी सेना को बहुत दूर भी हो तो भी अपने से बहुत दूर देश पर भी वो हमला कर सकता है, अपने से दूर दराज के देश पर भी हमला कर सकता है वो अपने देश में रहकर। ठीक है, इतनी ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, उसके घर में ही पंगू बना सकते हैं, यानी जो दुश्मन देश है उसके घर में ही वार कर सकता है और उसे खत्म कर सकता है। आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके बराबर भी नहीं है, यानी आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो आज उसके बराबर कोई देश नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका और रूस भी नहीं। अमेरिका के नीचे 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो अमेरिका के आगे अगर 12 देश भी ताकतवर 12 देश भी आ जाए ना, और वो जितना अपने सैन्य क्षमता पर खर्च करते हैं, जितना अपने सैन्य साजो सामान के लिए हथियार के लिए खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो अमेरिका जो है अपनी सैन्य क्षमता के लिए खर्च करता है अकेले। तो अमेरिका की तुलना 12 देशों से किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि 12 देश भी अगर मिल जाए तो अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है उसकी सेना की जो क्षमता है, उसकी सेना की जो पावर है उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं है बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। यानी यहाँ कहा गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं है, यानी जो अमेरिका की जो सेना है इतनी अच्छी है। क्यों है अच्छी? उसका एक कारण ये नहीं है कि वहाँ अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने सैनिक पर खर्चे करता है, उसका एक कारण ये भी है कि उसकी गुणात्मक बढ़त कहने का मतलब वहाँ की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें बहुत ही पारदर्शिता का ख्याल रखा जाता है, यानी कोई भी ऐसे जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार के तहत उसमें ज्वाइनिंग हो जाता है ऐसा नहीं है। वहाँ पूरी तरह से जो भी अगर किसी भी तरह की मेडिकल अगर दिक्कत है तो उसे छांट दिया जाता है, घूस तूस वहाँ नहीं लिया जाता है और पूरा पारदर्शिता के साथ वहाँ सिलेक्शन किया जाता है। तो वहाँ इसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी पाना तो संभव ही नहीं है। यानी अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में, तो उसकी मुकाबला करना अभी किसी भी देश के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा वर्चस्व सैन्य अर्थ में, अब हम देखेंगे वर्चस्व लेकिन ढांचागत ताकत के रूप में। लिखता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला देश जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे, यानी वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में, यानी ढांचागत में से एक स्ट्रक्चरल जो पावर है उस रूप में हम वर्चस्व को समझेंगे। तो लिखता है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिसमें अपनी मर्जी चलाने वाला देश जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए जैसे अमेरिका और उसे बरकरार रखे, तो उसे हम वर्चस्व जो कहते हैं उसका ढांचागत ताकत है। इस हेतु नियमों को लागू करने की क्षमता और इच्छा तथा वैश्विक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। दबदबे वाले देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इससे या फिर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दबदबे वाला देश अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अवैध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। यहाँ वर्चस्व ढांचागत रूप में बताया गया है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ध्यान से समझें। कहता है कि जो अमेरिका है या फिर वर्चस्व, यहाँ यही बताया गया है कि जो मर्जी चलाने वाला देश कौन है जो बहुत ताकतवर है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं अमेरिका, तो मर्जी चलाने वाला अपने मतलब की सामानों को बनाता है, अपने मतलब की चीज़ों को बनाता है और उसे देश में, दुनिया के देशों में उसे एक्सपोर्ट करता है, बेचता है और बरकरार रखता है, चाहे दुनिया के देशों में उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो, जबरदस्ती उसे सेल करता है। इस नियम हेतु
कई सारे नियम कानून भी बने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं, और इच्छा तथा वैश्विक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। ऐसा कहा गया है कि ऐसा कब तक चलेगा कि अपनी मतलब की चीजों को बनाए जो दबदबे वाले देश हैं, मर्जी चलाने वाले देश हैं। तो इसके लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ कायदे कानून चाहिए, और वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखना भी जरूरी है। दबदबे वाले देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, ऐसा ही अपने फायदे के लिए तो करता है कि इससे उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो जो दबदबे वाले देश हैं, जैसे अमेरिका और हम सोवियत संघ भी कहते हैं, कह सकते हैं, तो ये अपने फायदे के लिए इन सारी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि भी उठानी पड़ती है। क्योंकि अब कब तक लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध में जाकर वस्तुओं को सेल करेंगे, और जबकि लोगों की जो चीज आवश्यकता है ही नहीं, वो कब तक वो खरीदेगा। तो इसमें हानि तो उठानी ही पड़ती है कभी कभी। दबदबे वाला देश, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका ही है, और सोवियत संघ भी दबदबे वाला देश था, लेकिन वो विघटित हो चुका था, जैसा कि मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था और चैप्टर सेकंड में भी। तो दबदबे वाला देश अपनी नौसेना, मीन्स नौसेना का मतलब होता है जो समुद्र में रहती है, समुद्र के तट पे रहती है, उसे नौसेना कहते हैं, नेवी। तो अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। जो अमेरिका है, समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है कि कौन जहाज यहाँ से जाएगा, पानी वाला जहाज, और कौन नहीं जाएगा। वो पूरा लाइसेंस प्रणाली पर निर्भर करता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अवैध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। वो यह भी चेक करता है कि कौन देश है, कौन सा जो जहाज है वो गलत तरीके से अवैध है, या फिर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो इनका काम होता है अमेरिका का, ये सभी जो है वो अमेरिका ये करते रहता है, ठीक है। इसी तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। तो जो ये संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, ये सभी जो है अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम है, और ये सब अमेरिकी धरती पर है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें कि वर्चस्व जो ढांचागत अर्थ के रूप में था, ढांचागत वर्चस्व के रूप में था, वो आखिर है क्या। तो दूसरे शब्दों की बात करें तो ढांचागत वर्चस्व का अर्थ है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाना, यानी अपनी मनमानी करना, तथा अपने उपयोग की चीजों को बनाना व उसे बनाए रखना। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका का ढांचागत क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम है, जैसे छोटे छोटे देशों के ऋणों में कटौती तथा उन पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाना। यानी अमेरिका चाल चलता है कि कई सारे देशों को, गरीब देशों को लोन देता है, और उनसे अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उनसे अपनी बात मनवाता है। चाहे तो उसकी कोई एरिया को रख लेगा, कोई बंदरगाह है तो उसे रख लेगा, या फिर कोई एयरपोर्ट है तो उसे रख लेगा, और अपनी मर्जी चलाएगा, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। तो वर्चस्व जो है ढांचागत के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। लिखता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली अमेरिका द्वारा कायम की गई। और ब्रेटन वुड्स प्रणाली अमेरिका द्वारा तो कायम किया गया, और इस प्रणाली के अंतर्गत हुआ क्या, तो इस प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे। यानी विश्व के लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे जो देश व्यापार करेंगे आपस में, उनमें क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या कायदे कानून होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, तो ये सभी नियमाचार उसमें बताए गए थे ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत। अब हम देखेंगे वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। हमने दो तरह के वर्चस्व देख लिए, वर्चस्व सैन्य अर्थ में और वर्चस्व ढांचागत अर्थ में। ये तीसरा है वर्चस्व का जो सांस्कृतिक अर्थ में है, तो इसे भी समझते हैं। लिखता है, सांस्कृतिक वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। वर्चस्व जो है सांस्कृतिक अर्थ में, इसका कुछ अलग ही मतलब है। सांस्कृतिक वर्चस्व का मतलब होता है कि सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा के स्तर पे दबा दबाव या फिर दबदबा, इसका अर्थ होता है, ठीक है। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या फिर कोई प्रभुत्वशाली देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह
सहमत कर सकता है कि वह भी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली देश देखता है। यानी प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करें तो जो बड़े देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो छोटे देशों को अपनी संस्कृति बांटते हैं, और जिस परिप्रेक्ष्य में वो जी रहे हैं, ठीक छोटे देशों को भी वैसा ही उसी नजरिए से देखने का कहते हैं, और दुनिया को उसी नजरिए से दिखाया जाता है। ठीक है, इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। यानी इससे क्या होता है, इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त होती है, जो उनका प्रभाव है छोटे देशों पर, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ का जो छोटे देशों पर पकड़ है, जो प्रभाव है, और उनका वर्चस्व बढ़ता है, वर्चस्व कायम होता है। और प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, ठीक है, जो प्रभुत्वशाली देश है सिर्फ सैन्य शक्ति से ही काम नहीं लेता है, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर है, जो दुश्मन है, जो विरोधी है, उससे भी अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। यानी विचारधारा से जुड़े साधनों का मतलब कि संस्कृति का सहारा लेता है, और संस्कृति का सहारा लेकर उस देश पे वार करता है, वहाँ की चीज़ों को समझता है और उसे कमजोर बनाने की कोशिश करता है। तो ये हुआ वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, कि किस प्रकार संस्कृति का उपयोग करके वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा का प्रयोग करके वहाँ के लोगों पर एक वैचारिक दबाव बनाया जाता है, और उसे अपने प्रभुत्व में लाया जाता है, ठीक है, महाशक्तियों के प्रभुत्व में लाया जाता है। तो ये तो हुआ वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। आगे लिखता है कि कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है, जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके व्यवहार को, उनके बर्ताव को प्रभावित किया जाता है, जैसे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो। यानी इसमें तो ताकतवर देशों का फायदा होता है, ताकतवर देश चाहते हैं कि उसी का हित हो, उनकी ज्यादा प्रॉफिट हो, या फिर उनका ज़्यादा कोई प्लानिंग हो जो सक्सेस हो जाए, तो उनका ये मकसद होता है, मेन मकसद होता है, ठीक है, जो बड़े देश हैं, जो वर्चस्व वाले देश हैं, ठीक है, उसका प्रबल बना रहे, ये भी उनकी चाहत होती है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है। यहाँ पे अमेरिकी संस्कृति, चूंकि अमेरिका ही है एक वर्चस्व शाली देश, प्रभुत्वशाली देश, तो यहाँ पे अमेरिका के यहाँ उदाहरण लिया गया है कि अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि राजा मंदी से बात मनाई जाती है। सांस्कृतिक वर्चस्व में होता है क्या कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होता है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें राजा मंदी से और जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि राजा मंदी से या फिर वैचारिक दबाव से बातें मनाई जाती हैं। आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है और आपको राजी किया जाता है, रजामंदी से बात मनाई जाती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका को लगा कि जो शक्ति है, शक्ति के मामले में अगर देखें तो सोवियत संघ को तो हरा पाना मुश्किल है, तो सोवियत संघ को हराने के लिए क्या किया जाए, तो अमेरिका ने वर्च सांस्कृतिक प्रभुत्व का सहारा लिया, सांस्कृतिक वर्चस्व का सहारा लिया, और अमेरिका ने ढांचागत ताकत, जिसे हम सांस्कृतिक प्रभुत्व भी कहते हैं, ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी, और यहाँ पे उसने चाल चल दी जिस कारण वो सोवियत संघ को हरा पाया। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। यानी अगर अमेरिका ने यह चाल ना चली होती और वो सांस्कृतिक प्रभुत्व का सहारा ना लिया होता, तो शायद अभी सोवियत संघ का विघटन नहीं हो पाता। तो अमेरिका ने सांस्कृतिक प्रभुत्व का सहारा लिया और ढांचागत ताकत का इस्तेमाल करके सोवियत संघ को उसने परास्त कर दिया, उनको हरा दिया, तो इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हो गया। यहाँ पे हमारा जो पार्ट टू है, चैप्टर थर्ड का, वो कंप्लीट हो चुका है, और पार्ट थर्ड भी आएगा इसका, तो बचे हुए जो टॉपिक्स होंगे उनको पार्ट थर्ड में कंप्लीट कर लिया जाएगा, और चैप्टर भी जो है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा पार्ट थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जा सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।